स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, मुझे आशा है कि जो वीडियोस मैंने इसके पहले आपको भेजे हैं वो आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। और कुछ बच्चे अगर नहीं देख रहे हैं तो मैं उनको एक बार पुनः याद दिला दूँ कि इस बार आपका जो सिलेबस है उसमें जो टेक्स्टुअल पार्ट है उस पर बहुत ज़्यादा इम्फेस किया हुआ है और उसके बीच में से भी क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो आप सब अगर लेसन अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे आप क्वेश्चन इसके बीच में से जो पूछे जाएंगे उनको हल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप सब जो भेजे जा रहे हैं वीडियो उनको बहुत अच्छे से देखें और समझें। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसके अंतर्गत जो पोइट्री सेक्शन है, और वो जो पोइट्री सेक्शन है उसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, हमेशा बोलते हैं ना कीप क्वाइट, डोंट। तो इस प्रकार से जो आपके ये वाला जो पोइट्री सेक्शन है कीपिंग क्वाइट, इसके अंतर्गत हम जो पोम है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और बच्चों, इस पोइट्री को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पोम है और इसमें हमें जीवन के बहुत से ऐसे पहलू जिन पर हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं उसके बारे में बताया गया है। कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहना, और इसको लिखा है पैब्लो नेरुडा ने, जो कि एक फेमस पोएट रहे हैं। पैब्लो नेरुडा इन 1904 टू 1973 इज द पेन नेम ऑफ नेप्ताली रिकार्डो रेस बैसाल्टो, हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरल इन चिली। नेरुडास पोम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटिफुल। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। इन दिस पोम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो पैब्लो नेरुडा नाम है उनका कैसा है, पेन नेम है। पहले एक्चुअली उनका नाम बहुत बड़ा है जो कि यहाँ पर दिख रहा है हमको लिखा हुआ। अब ये कहाँ पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था चिली में, पेरल में। इनकी जो कविताएं हैं वो बहुत इतनी सरल भाषा में लिखी गई हैं कि इजीली किसी इसको समझा जा सकता है और उसकी एक इमेज भी फॉर्म हो सकती है। उनको साहित्य के लिए सबसे बड़ा जो प्राइज होता है नोबेल प्राइज, वो मिला 1971 में। इस पोम में नेरुडा ने क्या बताया है कि जैसे हम कहते हैं चुप रहना, शांत रहना, निश्चल होकर बैठना है, कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन उनने चुप रहना, शांत रहना और निश्चल होकर जो बैठना है उसमें जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ बताया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको यदि संसार को समझना है, आपस में एक दूसरे को समझना है, हमको रिलेशनशिप में भी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप करना है तो हमको चुप रहना, शांत रहना ज़्यादा आवश्यक है। अब देखते हैं इनकी पोएट्री आगे तो समझेंगे। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let us now speak in any language. Let us stop for one second and not move our arms so much. अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे बच्चों को बोलते हैं ना कि हम काउंट कर रहे हैं 1 से 3 तक, या 1 to 10 काउंट कर रहे हैं और आप लोग ये एक्टिविटी करो। सो यहाँ पर भी पोएट क्या बोलता है कि चलो अब हम क्या गिनेंगे, 1 to 12 तक काउंट करेंगे और हम सब कैसे हो जाएंगे, कीप स्टिल यानी बी साइलेंट, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। अब फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एक बार हम सब पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं अर्थ पर, अर्थ के ऊपर जितने भी लोग रह रहे हैं, एक बार हम लोग कोई भी भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब कि जो अर्थ में अलग अलग जहाँ जहाँ कंट्रीज हैं वहाँ सबकी जो लैंग्वेजेस हैं वो कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक बार के लिए इस अर्थ पर कोई भी भाषा नहीं बोली जाएगी। लेट अस स्टॉप फॉर 1 second एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। चलिए हम 1 second के लिए ही चुप हो जाते हैं, स्टॉप यानी खड़े हो जाते हैं, और हम अपनी आर्म्स जो अपनी हाथ हैं उनको हम बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। यहाँ पर हाथों को मूव ना करने का मतलब है कि हम कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करेंगे उतने समय के लिए, हम सब कीप स्टिल यानी बिल्कुल बी साइलेंट मोड में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे इसको हम देखेंगे। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स,
वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. अब जब सब कुछ शांत हो जाएगा पृथ्वी पर, मतलब पूरे जहाँ जितने कंट्रीज हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं, वो सब अगर एक शांति में अवस्था में आ जाएंगे, तो ये कैसा मूवमेंट होगा, ये कैसा क्षण होगा? रेयर क्षण होगा, मतलब बहुत ही दुर्लभ प्रकार का ये क्षण होगा कि सब बिल्कुल बिना रश यानी हरी जल्दबाजी, सबको जल्दी रहती है टाइम मिलाने की, सबको टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, किसी को अपने टाइम से पहले घर पहुंचना है, किसी को कुछ चहलकदमी करना है, किसी को पार्टीज में जाना वगैरह वगैरह, तो वो सारी जल्दबाजियां जो है हमारी जीवन की, वो सब कैसी हो जाएंगी? थम जाएंगी. माने कोई भी जल्दबाजी में नहीं रहेगा उतने समय. विदाउट इंजिन, इंजिन कहाँ लगे रहते हैं? मशीनों में लगे रहते हैं, जितने मोटर्स वगैरह रहते हैं. तो कोई भी गाड़ी मोटर ये सब कोई मशीनें नहीं चलेंगी, यानी ये सब भी कैसी हो जाएंगी? एकदम के लिए कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. और हम सब क्या होंगे? सब जितने लोग हैं यहाँ पर, सब के सब आपस में एक एक मिस्ट्री, एक रहस्यमय तरीके से इकट्ठे हो जाएंगे. नेक्स्ट पैरा देखो. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म्स वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. अब यहाँ पर बोल रहा, सीधी सीधी भाषा समझे तो फिशरमैन, जो मछुआरे हैं, वो समुद्रों में जो वेल मछलियां हैं या जो मछलियों को पकड़ रहे हैं, वो उन मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. और द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और ऐसे लोग जो कि खूब मेहनत करते हैं, जो नमक को इकट्ठा करते हैं, तो नमक को इकट्ठा करते समय क्या होता बच्चों? उसके जो क्रिस्टल हैं, उसकी नोक से जो उनके हाथ रहते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? कट फिट जाते हैं, उनके हाथों हाथ उनके चोटिल हो जाते हैं. तो कह रहा है कि कोई भी मछुआरा उस समय मछली नहीं पकड़ेगा तो मछलियों को नुकसान नहीं होगा, कोई भी सॉल्ट इकट्ठे करने वाले जो हैंड है उनको भी हाथों में नुकसान नहीं होगा. लेकिन यहाँ इसका दूसरा मीनिंग ये है कि फिशरमैन यानी पावरफुल व्यक्ति हो गया. तो पावरफुल व्यक्ति जो है, वो जो कमजोर लोग हैं, यहाँ पे वेल्स ने कमजोर लोगों की तुलना की, तो जो पावरफुल लोग हैं वो उन कमजोर लोगों को नहीं सताएंगे. दूसरा, अगर सब शांति में रहेगा तो जो मेहनत कश हाथ हैं, उन हाथों में भी ज्यादा चोट या उनको ज्यादा क्षति नहीं पहुंचेगी. नेक्स्ट पैरा देखिए बच्चों. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग. अब यहाँ पर जो पोएट है वो क्या बोल रहा है कि ऐसे लोग जो ग्रीन वॉर्स यानी न्यू फ्रेश, जो नए नए युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ इसका एक मतलब और निकलता है कि जो पृथ्वी के हरे भरे जंगलों को काट करके पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोग. दूसरा है वॉर्स विथ गैस, यहाँ गैस का मतलब केमिकल वेपन से है कि जो रासायनिक पदार्थों युक्त हथियार हैं, ऐसे हथियारों का जो युद्ध है. वॉर्स विथ फायर, फायर का अर्थ यहाँ पर आग से अकेले नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन से है. तो ऐसे जो पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं, पृथ्वी के पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, ऐसा युद्ध, ऐसा युद्ध जो रासायनिक हथियारों पर आधारित है, और ऐसा युद्ध जो न्यूक्लियर वेपन्स यानी नाभिकीय परमाणु जो हथियार हैं उन पर आधारित है, ऐसे युद्ध से क्या होता है? विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स. यदि ऐसे युद्ध होते हैं तो वहां पर विजय तो मिलती है, लेकिन वहां विजय का उत्साह मनाने वाला सर्वाइवर मतलब रिमेनिंग अलाइव, यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचता जो उसका आनंद उठा सके. तो ऐसा युद्ध बंद हो जाएगा जहां पर पृथ्वी को हानि होती हो, ऐसा युद्ध बंद हो जाएगा जहां पर रासायनिक हथियारों से हानि पहुंच रही हो, जहां पर नाभिकीय हथियारों से हानि पहुंच रही हो, ऐसी जगह पर कुछ भी थोड़े देर के लिए नुकसान नहीं पहुंचेगा. और ये सारे नुकसान पहुंचाने वाले, परेशान करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब क्या पहनेंगे? क्लीन क्लोथ्स. हियर द क्लीन क्लोथ्स मीन कि साफ सुथरे हो जाएंगे, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो कृतित्व, उनकी जो एक्ट है, वो सब कैसे हो जाएंगे? बहुत अच्छे हो जाएंगे. तो वो सब के सब एक शांतिमय क्लीन क्लोथ्स धारण करके एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ में, क्योंकि ये पूरा विश्व कैसा, विश्व बंधुत्व की भावना है, तो अपने भाइयों के साथ में बैठ करके एक छाया में, एक शांति की छाया में बैठ करके कुछ नहीं करेंगे, मतलब इस प्रकार की कोई एक्ट नहीं करेंगे जिससे कि पृथ्वी को, लोगों को ऐसा नुकसान पहुंचे कि कोई इस पृथ्वी पर आनंद उठाने वाला ही ना रहे. तो यहाँ पर कवि ये संदेश भी दे रहा है कि ऐसे अगर हम साइलेंट, यदि हम शांत रहेंगे, हमारे मन की हलचल शांत होगी, तो हम शांति की बात सोचेंगे और उससे ये नुकसान पहुंचाने वाले युद्धों से हम बच जाएंगे. नेक्स्ट पैरा देखें. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is
about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब यहाँ पर जितने भी पहले अपने previous पैरा देखे तो उसमें जो poet है वो क्या बोला, शांत रहो, बिल्कुल शांति से निश्चल होके खड़े हो जाओ. तो कुछ लोग ये भी मानते हैं, controversy देते हैं कि अरे शांत रहने का अर्थ तो जीवन अगर रुक गया तो मतलब मौत है. लेकिन यहाँ पर कभी ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर मेरी शांति का अर्थ inactivity यानी कि निष्क्रियता से कदापि नहीं है. शांत होना और निष्क्रिय होना दोनों में अंतर है. निष्क्रिय होना यानी डेथ के बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे शांति का मतलब अपने आप को काम और पीसफुल महसूस करना है. वो कहता है लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन वो है जो चल रहा है. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और मैं डेथ यानी मृत्यु के साथ इसका कोई भी नाता नहीं रखना चाहता. ट्रक यानी डीलिंग करना, तो मृत्यु के साथ इसका कोई नाता नहीं है. जो शांत रहने को मैं कह रहा हूँ उसका नाता मृत्यु से बिल्कुल नहीं है. शांत होने का अर्थ मौत नहीं है, जीवन चलता रहता है. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ. वो बोलता है मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो सिंगल माइंडेड यानी स्वयं के बारे में ही सोचते हैं, अपने जीवन को एक ही पैटर्न पे उन्होंने अपने जीवन को लाके रख दिया कि जैसे हम स्कूल गए, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद हमको जॉब ढूंढना है, जॉब ढूंढने के बाद हमको फिर आगे अपनी फैमिली बनाना है, फैमिली बनाने के बाद डेथ. मतलब इस टाइप से जो एक सिंगल रूट हमने तय कर लिया जीवन का, जीवन ऐसा बिल्कुल नहीं है. जबकि मैं यह समझता हूँ कि ये जो साइलेंस है, ये जो सन्नाटा, ये जो मौन है, ये हमारे अंदर की जो पूरे जीवन की जो चर्या चलती, दिनचर्या चलती है, उसमें हम क्या होते हैं, पूरे समय टेंशन में रहते हैं. मेरे पास ये नहीं है, मेरे को अभी ये चीज़ और अचीव करना है. मैं मतलब मेरे पास जो मौजूद है उसके सुखों का आनंद लेने के बजाय हमारे पास जो नहीं है उसको इकट्ठा करने में हम अपने जीवन को कैसे बना देते हैं, बहुत उदासी भरा और ना समझने वाला जीवन अपने आप के अंतर्गत निर्मित कर लेते हैं. तो जिसके कारण क्या होता है, ये हमें पूरे समय जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये डर और ये इकट्ठा करने की जो चाहत है वो हमको हमेशा परेशान करती रहती है. तो यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ ये है कि शांति का अर्थ मौत नहीं है, शांति का अर्थ है अपने आप को समझना. यदि हम अपने आप को समय देंगे, कुछ सोचेंगे, तभी हम अपने आप को समझ पाएंगे. और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम जीवन में थोड़ी सी मौन से, थोड़ी सी शांति से दूर कर सकते हैं. मतलब आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शांत रहना बहुत आवश्यक है. शांति से बहुत सारी बीमारियां कम की जा सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं और हम अपने जीवन के जो वर्तमान में व्याप्त है उसके सुखों का आनंद ले सकते हैं. नेक्स्ट पैरा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेट इट प्रूव्स टू बी अलाइव. अब यहाँ पर पूरा का पूरा सार यहाँ पर समझ लीजिए इस पोम का, या जो पोइट है वो अपना पूरा इसमें जो इसका जो संदेश है इस पोम के लिए वो पूरा क्लियर हो रहा है. क्या हो रहा, उसका कहना है कि लोग शांत मतलब जो चीज़ें इकट्ठा करने की दौड़ में भागते रहते हैं और उनको डेथ तक मतलब मृत्यु तक डर सताता रहता है. उनको लगता है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी और हमारी डेथ हो जाएगी, हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं पूरे समय ये बता दो. तो कभी कहता नहीं, मौत बहुत सरल चीज है, मौत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. क्यों? क्योंकि जो अर्थ, जो पृथ्वी है, वो हमको क्या सिखाती है, क्या शिक्षा देती है कि जब हमें कोई चीज मृत प्राय लगने लगती है, जब हमें लगता है कि कोई चीज मर चुकी है, कोई चीज डेड है, अलाइव नहीं है, तभी उसमें से वो हमको प्रूव करती है कि नहीं, इसमें लाइफ भी है यानी जीवन भी है, यानी निर्जीव चीज से भी जीवन की कल्पना हो सकती है. और उन्होंने यहाँ पर देखो, जैसे अपन मान लें सॉइल क्या है, सॉइल डेड पार्टिकल्स से बनी हुई है ना. तो जो सॉइल है उसमें अगर हम एक बीज जो देखने में कैसा दिख रहा, डेड दिखाई दे रहा, लेकिन अगर वो सॉइल में डाल दिया जाए और फेवरेबल कंडीशन आ जाए तो वो सीड से क्या बन जाता है, एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है. तो वो ये कहते हैं कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज डेड है, लेकिन बाद में वो क्या प्रूव कर देती है कि नहीं, हम में भी जीवन है, अर्थात पृथ्वी में सब जगह जीवन व्याप्त है, डेथ का कहीं भी नामो निशान नहीं है. ऐसा कवि जो बोल रहा है वो सबको मोटिवेट कर रहा है. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. और अब मैं फिर से
12 तक काउंट करूंगा, आप शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। अर्थात यहाँ पर पोएट ने बहुत बड़ी शिक्षा हम सबको दी कि हम सबको जीवन में थोड़ा सा शांत भी रहना चाहिए ताकि हम अपने आप को पहचान सकें, हम अपने पर्सपेक्टिव देख सकें, हम अपनी लाइफ को बहुत इजी बना सकें और बहुत सी चीज़ों का जो हल है वो शांति से ही प्राप्त होगा। तो बच्चों ये थी हमारी पोम कीपिंग क्वाइट, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर लर्न करें।